हाथ बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है सोलो रहने बिल्कुल ये सोलो रहने मैम फुल लेंथ बाद में ले रहे, पहले आपके मिड शॉट जा रहे हैं, पोर्ट्रेट शॉट ठीक है।
सबसे पहले तो ऑफ कोर्स करवा चौथ की शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो वही है त्यौहार. एंड ऑफ कोर्स धनतेरस, दिवाली, इस महीने में बहुत कुछ, बहुत सारे त्यौहार है, तो उसकी शुभकामनाएं हम सारे दर्शकों को देना चाहेंगे. फ़ोटोशूट हमारा रीज़न ये है करने का, बिकॉज़ जो हमने लास्ट किया था साथ में वो एक मैगजीन के लिए किया था हमने. आई डोंट रिमेंबर. या दिस इज़ फॉर अ दिल्ली बेस्ड मैगजीन. सो दिस इज़ फॉर अगेन अ मैगजीन, बट आफ्टर 3 इयर्स. तो ऑब्वियसली जब भी मौका मिलता है इनके साथ काम करने का, हाउ एवर इट इज़ प्रिंट, बीट, शूट्स और वट एवर, ऑलवेज ब्लेसिंग इन डिसगाइज टू वर्क विद हर. सो या वी आर डूइंग द फोटो शूट फॉर दिस. That's so sweet. And plus थोड़ा सा मैंने ना मेरे अंदर लुक्स में चेंजेस आ गए, तो नया फोटो शूट चाहिए था, तो वो कर रहे हैं. या आई थिंक एज एक्टर्स हम वी कीप ऑन वर्किंग ऑन ourselves, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा प्रोफेशन की ही ये डिमांड होती है कि हमें अच्छा दिखना होता है, अच्छा लगना होता है, रिगार्डलेस ऑफ यू नो वट एवर द सर्कमस्टेंसेज मे बी. और उसके लिए doing photo shoots is always a good blessing for us as actors, because yeah. usme kya hota hame pata chalta hai that you know jis tarah se hum apne aap pe kaam kar rahe hai how is it looking, wo kaisa lag raha hai kaisa nahi. So but also as actors hum अपने आप में कुछ नहीं है. देर इज़ अ ह्यूज सपोर्ट सिस्टम जो हमारे पीछे होता है, जिसकी वजह से हम जो लगते हैं वो लगते हैं. लाइक इन टर्म्स ऑफ आर मेकअप नाउ, अवलीन इज देयर हु इज़ डूइंग माय मेकअप, इज देयर पूजा इज डूइंग द स्टाइलिंग, इज हेल्पिंग. या पूजा वाज डूइंग द स्टाइलिस्ट, शी स्टाइल्ड हिम एंड मी. एंड देन देयर इज बर्मन पिक्चर्स, अमेजिंग फोटोग्राफर कॉल्ड हु आर डूइंग द फोटोग्राफी. या या सो आई फील दैट देयर इज अ ह्यूज टीम बिहाइंड एक्टर्स, जो वो यू नो जिस तरह से लगते हैं, जो लुक होती है, तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट उन लोगों को भी जाता है हमारी लुक के पीछे. एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट फोटोग्राफी एंड फोटो शूट्स आर ऑल अबाउट. इफ ट्रू माई हबी वॉन्ट्स टू एड एनी थिंग, आई डोंट नो. आई मीन शी सेड एवरीथिंग. टू सम इट अप ऑल, इट बी अ गुड एक्सपीरियंस कमिंग बैक ऑन द यू नो सेलुलॉइड विद हर when it comes to the photo shoots. तो yeah, I mean looking forward to this one. बाकी आप enjoy करिए, देखिए कैसे होना. Actually इन्हीं लोगों का idea था. इनका इनका और जो team है, जो it was Berman's Pictures idea. They specially come down from Delhi. They came down from Delhi. They specially come down from Delhi to do this with us, with both of us, and we are very happy that they've chosen us. What else? Yeah, I mean it's वो शिद्दत के साथ में कुछ भी काम आप करना चाहें तो उसको फिर मना नहीं किया जा सकता. So Berman Pictures were you know very very you know professional in their approach, and it was really nice of them to you know give us the opportunity to you know alliance with them. So it's fun, and plus festivals are there, so obviously why not to start on a good note with Berman Pictures. क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना, दिवाली जब होती है तो नया साल एक्चुअली में वहाँ से ही शुरू हो जाता है. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. You never know, we've done stills now. आगे देखते हैं, वेब सीरीज, मूवीज और टीवी क्या करते हैं साथ में. We are looking forward. तो प्लीज जो भी कास्टिंग वाले देख रहे हैं, जरूर हमें कास्ट करिए. थैंक यू. उसकी उसके उसके पीछे तो ऑफ कोर्स उसका उसका क्रेडिट पूजा को जाता है, जो हमारी स्टाइलिस्ट है. सो थैंक्स पूजा फॉर स्टाइलिंग अस. पूजा आपकी एक पंजाबी फिल्म आ रही है. हां जी जी. सो दिस मूवी इज इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. अगेन इट्स सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स इन पंजाब. प्रीति सपरू जी, जो कि बहुत ही दिग्गज नाम है पंजाबी इंडस्ट्री का, मुझे गूजबम्स आ रहे हैं उनके बारे में बात करते हुए, बिकॉज उनका कम बैक है एज अ डायरेक्टर आफ्टर 12 इयर्स. एंड यू नो द कास्ट अराउंड मी इज प्रीटी ह्यूज, सो कुडंट बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू वर्क अलॉन्ग साइड अ बिग कास्ट लाइक रूबीना बाजवा, पुनीत सर सर, तेज सपरू सर, गुग्गू गिल सर. सो ऑल ऑफ देम आर यू नो वेटरन्स देयर, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू स्टार्ट माई जर्नी इन द पंजाबी फिल्म फिटर. या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट, बिकॉज मैं खुद सरदार नहीं हूँ, तो मेरे हबी को चलो एक चेकलिस्ट में मेरा पूरा काम हो गया. हाँ जी, पंजाबी मूवी में देखना, मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड कि कब तेरी मेरी गर्ल बन के रिलीज होगी और कब मैं इनको बड़े पर्दे पे देखूंगी. आपके शो पे काफी सराहा जा रहा है,
पटियाला बेब्स हाँ जो मैंने शो किया था बहुत पसंद आया लोगों को. मैं खुश हूँ उस बात के लिए कि लोगों को मेरा काम उसमें पसंद आया. अभी मैं परम अवतार श्री कृष्ण कर रही हूँ एंड टीवी पे, जैसा कि सबको पता है, और माइथो में ये मेरा पहला कदम है. मैंने आज तक कभी किया नहीं है, तो बस वही कि आप लोगों की तरफ से ही हम एज एक्टर्स अपने दर्शकों तक पहुँचते हैं. तो मैं यही कहूँगी आप लोगों के ज़रिए कि बस जो प्यार है वो बरकरार रहे और कुछ नहीं. ऑनेस्टली बताऊँ बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे पता भी नहीं चलता है कि इन्होंने अपना जो अगला शो या अगला कुछ पिक्चर साइन किया वो क्या है. इनफैक्ट बहुत बार ऐसे होता है कि मीडिया में या न्यूज़ में ये कुछ पढ़ते और बोलते तू ये कर रही है, तो मैंने कहा हाँ मैं ये कर. अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन दैट, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट काम की बात हमारे घर पर होती ही नहीं है. काम हम डिस्कस करते ही नहीं है. हम मूवीज या फिर टीवी की बात तब करते हैं जब हमें कुछ जॉइंटली देखना होता है. अरे आज बिग बॉस आ रहा है देखें क्या, अरे ये मूवी रिलीज हो रही है चलो लेट्स गो फॉर द फिल्म. बट वो पता है कि दिल में ही सिनेमा है, माँ तो है ही लेकिन सिनेमा भी है. तो you know there's something or the other should be connected between the entertainment fraternity for us. तो आज फोटो शूट कर रहे हैं तो आई मीन ठीक है डिस्कस ज़्यादा नहीं करते बट यू नो कोशिश हमेशा रहती है कि एंटरटेनमेंट के बारे में बात करते रहे हम, है ना. और काम और शूटिंग में वैसे भी इतना बिजी रहता है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि अभी ऐसे है साथ में तो फिर एक मौका भी मिल जाता है ना वो थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का. फोटोशूट बस एक बहाना है एक तरह से. जो आपका कैप्सूल चलेगा मयंक और हुनर 3 साल के बाद फोटोशूट कर रहे है ना. आपने जस्ट बिग बॉस का जिक्र किया है. जी 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 टॉप 3 में देखिए अब इस बार जो सेलिब्रिटी का सीजन है सारे ही दोस्त हैं बट मुझे लगता है कि पारस इज गोना गो, सिद्धार्थ शुक्ला इज गोना गो एंड विमेन थोड़ा सा या आई शुड मेंशन देम एज़ वेल. सो रश्मि देसाई इज लुकिंग लाइक अ वेरी स्ट्रांग ऑप्शन टू गो थ्रू. या मतलब आई नो एवरीबॉडी, तो मैं तो ऐसे किसी एक पर्टिकुलर को तो चूज नहीं कर सकती. मैं तो देख भी रहा हूं क्योंकि मैं सबको जानती हूं, सबके साथ मेरा मतलब ऑलमोस्ट लाइक आरती के साथ तो मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी ऑनेस्टली. गृहस्थी और मेरा पहला डेब्यू मेनली मैंने उसी के साथ किया था. इनफैक्ट ये बात शायद इन्हें भी मुझे रोना ना बिना ग्लिसरीन के रोना उसी ने सिखाया था, उसी की वजह से मैंने सीखा. एंड देवोलीना भी बहुत क्लोज है मेरे, तो आई रियली लाइक हर ऑल्सो, शी इज़ ऑल्सो डूइंग वेल. आई रियली लाइक रश्मि ऑल्सो, मुझे वो बहुत सुलझी हुई है, बहुत सॉर्टेड है, उसको पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है सारी चीज़ें. आरती भी अच्छा कर रही है. दलजीत के साथ भी मैं काम कर चुकी हूँ बट दलजीत आई थिंक दलजीत हैज़ गॉटन एलिमिनेटेड. आई एम वेरी सैड अबाउट दैट बट शी प्लेड रियली वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर ग्रोथ एंड आई विश एवरी वन ऑल द बेस्ट. मतलब मेरे लिए तो सभी विनर है तो जो भी जीत जाए. थैंक यू.